ये साइज का लगता तो कुछ बात होता, लेकिन अब तो आज नाइट फिशिंग करने आए हैं। मछली से ज़्यादा सांप फंसने का चांस रहता है। बहुत होया है, आए हैं फिशिंग करने के लिए रात में, तो अब देखते हैं कितना मछली लगता है। देखिए अब कितना फंसता है, आपको दिखाया जाएगा। बड़ा है क्या? नहीं है लग रहा है। देखिए एक मछली फंसा है, तो साइज का है, बालू रुई ना, बालू रुई। तो ऐसे ही धीरे धीरे पकड़ के एक दो करके देखते हैं कितना फिश जमा होगा। तो वीडियो में बने रहें, और रात में इसी का डिनर होगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो देखिए छोटा छोटा फिश कर रहे हैं, और आज का फिश इतने साइज का लगता है तो अच्छा लगता है, और इससे बड़े बड़े तो सांप ही लगते हैं, और सांप से बच के रहना पड़ता है, इसलिए लाइट जरूरी है। देखिए एक फिश लगा है छोटा सा, देखिए नेट फिशिंग चालू है सब तरफ। नदी में बहुत कोई आए हुए हैं, धीरे धीरे बोलना पड़ेगा ताकि मछली भाग ना जाए। रात में मछली को दिखता नहीं है, इसलिए नाइट फिशिंग में बड़ी बड़ी लगने का चांस ज़्यादा है। धीरे धीरे थैला भरेगा इसी से। पूरा अंधेरा है सब तरफ, खाते हैं आज कितना मछली मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें। अभी भी कुछ हाथ नहीं लगा लग रहा है, कई बड़े बड़े पत्थर है डाल के, तो अभी थोड़ा ज़्यादा मछली लगा है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 लगा है, लेकिन बहुत छोटी छोटी है। बार ठीक लगा, ये जाल भी फट गया जो छोटा छोटा फटा है। तो बालू थोड़ी है, तो रहेगा इतना ही फिश जमा हुआ है, थोड़ा थोड़ा जल्दी ढेर जमा हो जा रहा है। तो नेट फिशिंग उतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बड़े मछली लगने का चांस ज़्यादा है। ये साइज का लगता तो कुछ बात होता, लेकिन अब पानी कम हो चुका है, तो बहुत ही कम मछली लग रहा है। तो अब इसे साफ करते हैं और घर लेके चलते हैं।